गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। अब जैसे प्रसंग चला था, जैसे कान बंद करके धुन सुनते हैं, धुन कि हमें धुन सुनती है और धुन। अब नाम तो तुम जाप क्या करते हो और धुन सुनने का दावा करते हो, हमने सतलोक वाली सुनगी। अब धुन क्या चीज है और मंत्र क्या चीज है? जैसे एक ढोल होता, ढोलक, ढोलक के बजाने का एक विशेष डंडा सा होते हैं, छोटे छोटे डंड की ही, और उनको ही लगाने से बजाने से उसकी वो वही आवाज़ निकलती है जो ढोल की होनी चाहिए। और उस ढोल के, उस ढोलक के, उस उन विशेष डंडियों की बजाय अगर जूते निकाल के मारन लग जाओगे उनकी भी आवाज़ आएगी, लेकिन वो विशेष डंडी वाली नहीं आएगी, वो सुर में सुर नहीं मिला सकती उस बाजे उन औरों के साथ, तो व्यर्थ है, उसको भगा दिया जाएगा। क्या बकवास कर रहा तू, तेरा सुर में सुर नहीं मिल रहा। तो जो ये नाम जाप करते हैं काल के, धुन सुनते हैं इसमें, तो वो ढोल का जूते वाली आवाज़ सुन रही है उनको, वो आवाज़ भी ना सुने जो अष्टाष्टिक सुननी चाहिए। तो इस सत्य नाम के जाप से जो आपको यहाँ धुन सुनेगी, लेकिन इस धुन को सुनकर हम करेंगे क्या? हमने तो वहाँ जाना जहाँ से धुन आ रही है, ये धुन न चाटेंगे हम, कोई बात है? हम तो वहाँ जाएंगे जहाँ से धुन यहाँ आ रही है, वहाँ पहुँचेंगे तब जाकर बात बनेगी। अब जैसे ये संसारिक लोग ढोल ढाल बजाते हैं, कब? जब विवाह होता है। अब हम गांव के बाहर बैठ कर ढोल सुने जाको, हो ढोल सुने भाई, तो क्या वहाँ लड्डू जलेबी मिल जाएंगी? लड्डू जलेबी तो वहाँ मिलेगी जहाँ वो ढोल बज रहा है, वहाँ जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमने सतलोक जाना पड़ेगा, वहाँ सब सुख प्राप्त होंगे। इस धुन से कोई लाभ नहीं, बजो सुनो ना सुनो, आपको जो मंत्र दे दिया इसे अपने आप वो बज रही है, अपने आप सुर खुलते चले जाएंगे। इसमें असंख्य धुनें हो रही हैं शरीर के अंदर, वो धुन न्यारी है इनसे। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे जनकार का। गरीबदास जी कह रहे हैं कोई कोई है उस परले पार का, यहाँ मुझे बताओ, और वो धुन का भेद बताओ जो धुन वहाँ है परले पार, यानी सतलोक में। ये नकली धुनें हैं यहाँ पर जो तुम सुन रहे हो, ये धुन वो नहीं है। गरीबदास जी क्या कहते हैं? कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। कोई है रे परले पार का, परले पार यानी सतलोक में कोई गया हुआ वापस आया हुआ हो तो बताओ मुझे। ये खुद होकर आए थे, उस धुन को सुन कर आए थे, आंखों से कानों से देख सुन कर आए थे। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। झन मानुष झनकार मानुष धुन का। वारही गोरख वारही दत्त, वारही धरु पर लाद अर्थ। ये तुम्हारे गोरख भी इधर ही, वार मान उरली साइड। वारही गोरख वारही दत्त, दत्त मान दत्तात्रेय जी, और ध्रुव और प्रहलाद ये सभी इधर ही हैं, काल के ही जाल में हैं। वारही गोरख वारही दत्त, वारही ध्रुव प्रहलाद अर्थ। वारही सुखदेव वारही व्यास, वारही पाराशर प्रकाश। वारही दुर्वासा दरवेश, वारही नारद सारद शेष। वारही भर्तरी गोपी चंद, वारही सनक सनंदन बंद। वारही ब्रह्मा वारही इंद, वारही संसकला गोविंद। वारही शिव शंकर जो संभ, वारही धर्मराय अर आरंभ। वारही धर्मराय धर धीर, परम धाम पहुँचे हे कबीर। रग यजुषाम अथर्वेद, परम धाम नीलय हावेद। अलल पंख अगाध भेव, जैसे कुंजी सुरती से। वार पार थे हाना था, गरीबदास निर्गुण निगाह।
अब क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी, परमात्मा से परिचित होकर सतलोक में वो धुन सुनकर वापस आए तो वो कह रहे हैं, कोई हैरे परले पार का जो भेद कह उस दनकार का, वार ही गोरख, वार ही माने उरले तरफ, वार ही गोरख, वार ही दत्तात्रे और वार ही ध्रुव प्रहलाद, वार ही सुखदेव, वार ही व्यास और वार ही पाराशर प्रकाश। पाराशर प्रकाश माने जो पाराशर जी ने एक पुराण लिखी है उसको पाराशर का ज्ञान बताते, यानी इन पुराणों के और वेदों के सबके राइटर हैं कौन? व्यास जी। और ये ज्ञान व्यास जी का अपने सत्र का वो तो पुराणों में है, वेद ज्ञान और गीता ज्ञान जो है ये वेद व्यास के सत्र का नहीं है। वेद व्यास जी के अंदर एक ऐसी एक गुण दृष्टि दे दी जाती है, दिव्य दृष्टि, जो जो भी हम वचन शब्द बोलते हैं ये कभी नाश नहीं होता, ये ब्रह्मांड में घूमता रहता है, पूरे के पूरे सेंटेंस घूमते रहते हैं। अब भाषाएं बदलती रहती हैं जिस कारण से वो आज ऋषि नहीं समझ पाते, तो परमात्मा एक ऐसा गुण देता है अपने ज्ञान को लिपिबद्ध कराने के लिए, तो वेद व्यास में दिया था और उन्होंने वेदों को जो भी जैसा था एज इट इज लिख दिया, उसमें अपना कुछ भी नहीं मिलाया। फिर उससे हट करके पुराण भी उन्होंने जिसने जैसा बोला था, गीता ज्ञान जो श्री कृष्ण के अंदर से काल जो बोल रहा था उसको वेद व्यास जी नहीं पहचान सके, श्री कृष्ण में जो काल बोल रहा था श्री कृष्ण के शरीर का प्रयोग करके जो वार्ता अर्जुन और उस श्री कृष्ण के मुख से बोल रहे उस ज्ञान की हुई थी वह जो भी थी एज इट इज लिख दी उसने, जो संजय ने बोला, धृतराष्ट्र ने बोला, फलाने ने बोला, वो सारा कुछ लिख दिया। इसमें इसका अपना कोई रोल नहीं, और इसका रोल होता फिर ये इसमें देवी पुराण के अंदर प्रथम स्कंद में के हे भगवान ब्रह्मा उस नारद जी से पूछ रहा है कि सृष्टि किसने रची, कैसे रची, नारद जी बता रहे हैं मैंने अपने पिता से सुनी नो, था उनको ज्ञान होता व्यास जी को तो वो अपने ही तरफ से लिखता और अपना ही ज्ञान बताता। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि ये चारों वेद जो हैं ये इनके अंदर परमात्मा परम धाम का पाने का ज्ञान नहीं है, उस परमात्मा की महिमा अवश्य लिखी है। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।